ये तो टैगोर के हैं बच्चे, पर आप आना, वो आ जा यार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेशन है, तो हम लोग जो हैं साकेत नर्सिंग कॉलेज की तरफ से जितने भी बैचमेट्स हैं वो आए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हैं। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल और ब्लॉग के साथ बने रहे। आप लोगों को जो है सो वीडियो पूरी देखनी है, और मैं बहुत जितने भी क्या सब होता है नहीं होता वो सभी अच्छी ज़्यादा आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बता दो सर कि आज क्या होने वाला है। आज बहुत प्रोग्राम है, वो सेमिनार्स है, सेमिनार होंगे, कॉन्फ्रेंस है, हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग आज ज्वाइन किए हैं, आज आए हैं, देखते हैं क्या सब होता है। तो आप लोग को जो है दिखाएंगे, जरूर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। ना किसी से कोई मतलब, ना किसी से कुछ लेना, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग आए हैं आज वर्ल्ड नर्स डे के सेलिब्रेशन में, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, और ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, देखो फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोग को पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगा। मेरा नाम गुरावनागर। सो ये सेल्फी टाइम है, सेल्फी ले लीजिए बैठे बैठे, फोटोग्राफ आपस में क्लिक करवा लीजिए, थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए, और उसके बाद बस थोड़े ही पल में हम प्रोग्राम की शुरुआत आप सभी के बीच में करने जा रहे हैं। थैंक यू। यही एक टैगलाइन बिल्कुल फिट होती है कि अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उस दवाई के साथ दवा में मरहम लगाने का काम तो भाई नर्स ही करता है कि नहीं। डॉक्टर आए, प्रिस्क्रिप्शन लिखी, दवाई लिखी और चले गए, लेकिन बाद में पेशेंट या उसके साथ वाले क्या बोलते हैं, सर या मैडम, सिस्टर या भैया, बताइए ना डॉक्टर साहब ने जो लिखा है कोई गंभीर बात तो नहीं है, तो वहां से ज्यादा भरोसा किस पर होता है? नर्स पर। तो आपने जो एक ऐसा स्टेप लिया है, ये सच में समाज सेवा के लिए, अर्निंग के लिए, क्योंकि अर्निंग भी जरूरी है, अर्निंग विद लर्निंग, तो सीखेंगे भी, समाज सेवा भी करेंगे, और कहीं ना कहीं खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए भी जिएंगे। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और बस थोड़े ही पलों में हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप सभी के बीच में करने जा रहे हैं। जब जब कल्चरल प्रोग्राम होगा तब तक 100% वाली क्लैपिंग, 100% वाली हूटिंग, 100% वाला चेयर अप आपकी तरफ से चाहिए। अच्छा बॉयज कहाँ बैठे हैं सर, मुझे बताते हैं बॉयज। मुझे तो लगा गर्ल्स की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। गर्ल्स लेट्स फ्लाई मोमेंट्स एंड बॉयज, क्या बात है भाई, यहाँ तो बॉयज ने बाजी मार ली है, जरूरी है। कोई बात नहीं, गर्ल्स कम है तो क्या कम है, इनमें भी तो दम है। गर्ल्स एक बार 100% वाला चेहरा। थैंक यू सो मच। Thank you.
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। भारत माता की जाने बोला। सो एक बार आप सबकी तरफ से आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। गाइज कुछ देर के बाद जो है हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग जो है हमारे ब्लॉग के साथ बने रहना और देख लो। ये है, बोलिए एक बार फिर से बोलिए। सभी के बीच में राजस्थान फ्लोरेंस अवार्ड यहाँ थोड़े ही पलों में आप सभी के बीच में दिए जाने हैं। आज सुबह से यहाँ हमारे बीच में पॉजिटिव की ट्रेनिंग दी गई, जैसा कि आप सबको मालूम है, और अब हम सब यहाँ पर आप सभी के बीच में मौजूद हैं। सो सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर कल इंटरनेशनल नर्सेस डे है, आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं दें और हम सभी को उद्बोधित करें। जो स्टूडेंट्स ऊपर बैठे हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नीचे की तरफ आ जाएं। कौन से कॉलेज है ऊपर?
देखो इधर ऐसे वन टू थ्री स्टार्ट से लेफ्ट और राइट एक्स्ट्रा करेंगे सिर्फ एक ही अभी ट्रायल था इसलिए छोड़ दिया अब जो आउट होगा वो आउट हो जाएगा से लेफ्ट और राइट साइड वाला ओनली वन पार्टिसिपेटिंग आउट मोई मोई दिस इज द गेम एक बार के लिए छोटा तालियां बजा दीजिए नानीमान सो जब ये गेम शुरू होने से पहले मैं इन्हें पनिशमेंट पहले ही दे देती हूँ ना बीच बीच में देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भैया एक डांस लगाना दे दीजिए ना पहले सारे डांस कर लेते हैं उसके बाद हम गेम खेलेंगे सबसे ब्रेक भी करना है
अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, थोड़े मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें, दिमाग से बंद नहीं, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लें और अपने चैटर बॉक्स को थोड़ी देर के लिए शांति के मोड पे रखें, क्योंकि आपको बात करनी है लेकिन आपके पास में बैठे हुए स्टूडेंट को सीखना है। अगर आप उसे नहीं सीखने दे रहे हैं तो आप यही एक काम तो गड़बड़ कर रहे हैं कि आप दूसरे का भी अहित कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे सहायता कर लें, कैसे उसको फंसा है, कहने के लिए हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को हमें सुरक्षित स्थान पर लाकर बैठाना है। बैठाने के बाद में कपड़ा लेना है और ऐसा कपड़ा हम एनी टाइम लोग साथ लेकर नहीं चल सकते। हमारे पास में कोई रुमाल है, कोई चुन्नी है, दुपट्टा है, जिस प्रकार के संसाधन हमारे पास में अवेलेबल है उन्हीं का सहारा लेते हुए हमें उसको फर्स्ट एड देना है। लेने के लिए जैसे चुन्नी है, दुपट्टा है, उसको लेंगे, उसको सीजर के माध्यम से ट्रायंगल का आकार में काटेंगे। काटने के बाद में हमें जो ट्रायंगल का आकार बनाया था वहां पर एक थंब लगा देंगे, नोट लगा देंगे, और जो एल्बो जो हाथ टूटा हुआ है उसके एल्बो के पास में जाकर फिरो देंगे, इस प्रकार से फिरो देंगे और हाथ को फिरोते हुए शरीर की तरह पीछे बांध देना है, गर्दन के पीछे बांधना है और इसके साथ में वार्तालाप बनाए रखना है, इसको इमोशनल सपोर्ट देते रहना है कि भैया घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार का वार्तालाप बनाए रखना है। और एक सपोर्ट और लगा देना है, जैसे कि इसको अगर हमारे पास में एम्बुलेंस आने में समय कम हो रहे, ज्यादा रहे लगे एम्बुलेंस को, और हमारे पास में जैसे मान लीजिए टू व्हीलर है तो हमें इसको मोटरसाइकिल के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाना है, तो इसका जो हाथ है वो हिले डुलेगा नहीं और ये ज्यादा पेन नहीं करेगा, इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए बात दे देंगे। इसके बाद में Thank you.
जीवन बंधु है।